तो और किसान भाई हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है इस पर टाइम में। ये सब बता दें कि पर टाइम में हम लोग के गांव और शहर में खीरा और तरबूज बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये गाइस ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो कुछ आपको बता दें गाइस इस खेती के बारे में हम कुछ बताने वाले हैं खीरे और तरबूज की, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। गाइस हमारे इधर क्या होता है कि गाइस हमारे धान और गेहूँ की ज़्यादा खेती होती है, जो गाइस इसमें अच्छा खासा ज़्यादा रेट भी नहीं मिलता और हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और गाइस अगर सब चीज़ जोड़ी जाए तो हमारे उसमें फायदा छोड़ कर नुकसान ज़्यादा हो जाता है और कुछ में मिल नहीं पाता। और बता दें गाइस अगर आप धान गेहूँ को छोड़कर अगर आप खीरे या फिर तरबूज की खेती कर रहे हो तो गाइस आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादा जो खीरा होता है गाइस इस समय 10-20 रुपये का मिल रहा है एक, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको आप सेलिंग कर सकते हो आराम से 5 रुपये में और आपको भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है उस खीरे से। और ऐसा है नहीं कि इसमें रेट डाउन होता है, ऐसा होता है अभी रेट बढ़ता है जब मंडी का रेट, तो आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है कि आप अर्निंग मिल जाए अच्छी खासी आपको। आप जितना गेहूँ और चावल से कमाते हो गाइस उससे ज़्यादा आप कमा सकते हो खीरे और तरबूज की खेती में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और गाइस आप अच्छा खासा भी ना कुछ कि आप उसको उगा सकते हो और अच्छी खासी उससे अर्निंग कर सकते हो मंथली। जानना चाहते हो कि खेती कैसे करें तो कमेंट करिए वीडियो में।